दोस्तों आपको दिखाएंगे हम दुबे जी का कौन वीडियो शूट करता है, कौन कैमरा मैन है, इतना अच्छा क्वालिटी कौन देता है। हमारे साथ हैं भाई शशांक भाई जो कि यही वीडियो शूट करते हैं और आपको दिखा दें। पीछे भी हमारे गुरु जी हैं जो कि वीडियो इनका शूट हो रहा है, अभी शूट हो चुका है, हो चुका है। आपको दिखाएंगे कैसे इनका वीडियो शूट होता है इनके, मतलब और भी यूट्यूबर हैं, हमारा चैनल है शशांक विल रन। ठीक है भैया, ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल से जुड़ी वीडियो डालते, तो एक बार देख लेना, देख लेना, मन मन हो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। भोजपुरी नहीं आता है, भोजपुरी सिखा देंगे। ठीक है, अभी हम लोग हैं संगम नगरी में, कैसे दुबे जी का वीडियो शूट होता है देख लीजिए। ये हम लोग हैं अभी जहाँ चीता जलता है वहाँ पे, तो आपको दिखाएंगे पूरा जो इनका जैसे वीडियो शूट होता है। इनसे देखते हैं, कुछ दो मिनट की बातें होती हैं तो देख लेते हैं, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, पूरा आपको वीडियो दिखाएंगे और जो इन्जॉय होगा बताएंगे कैसे भी उनका वीडियो शूट होता है और आपको दिखाएंगे भी। ठीक है सर, थोड़ा सा आप आ जाइए। शुभकामना, शुभकामना। तो इनका वीडियो कैसे शूट होता है, कैमरामैन कौन है, सब सब आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, लगे रहिएगा वीडियो में। तो प्रयागराज से सच्चाई दिखाते हुए आज मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। प्रयागराज माघ मेला का यह दृश्य देख रहे हैं आप, और जो सच्चाई दिखा रहा हूँ यह सीधे सीधे नाला बजबजाता हुआ नाला, जल और बल से बोझिल नाला यह आ रहा है और सीधे सीधे गंगा में मिल रहा है। आप देख लीजिए गंगा है और आगे कुछ ही दूरी पर संगम है जहाँ लोग पतित पावनी में स्नान करेंगे। एक बार इस नाले की तस्वीर देख लीजिए, यह ट्रीटमेंट प्लांट से होकर के आ रहा है। एक बार इस तरफ आप देखेंगे यह गंगा का पानी है, आगे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हाथ कट रहा है। और इस तरफ आप यहाँ से एक बार देखिए, इस तरफ से यह नाले का पानी और यह गंगा दोनों मिल रही है और यह कटान हो रही है। उस तरफ आप ब्रिज देख रहे हैं और पीपा का पुल है, उसके बाद माघ मेला है। इस तरफ भी आप देख रहे हैं गंगा के उस पार तमाम टेंट लगे हुए हैं और मैं काला काला पानी अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। आप एक बार गंगा मैया का अवलोकन कर लीजिए, इसमें स्नान करते हैं, मेरे ऊपर करा देना मुकदमा, जा करके मैंने देखा है साहब, उसी में कुछ चलाएंगे, क्षमता उतनी है नहीं, उसके बाद सीधे नाले का पानी ढकेल देंगे। आइए हम बात करते हुए चलते हैं, हमारे बीच आर्य शेखर साहब हैं, जिन्होंने गंगा पर बहुत काम किया है। यह है संस्थान घाट पे, यहाँ लाश चलाई गई है, यह अस्थियाँ आप देख रहे हैं जिसकी लाश है उसके कपड़े वपड़े भी यहाँ ला करके आप देख रहे हैं ऐसे ही, और क्योंकि यह है तकिया जो मर गए हैं ना, तकिया उनका या सब कपड़ा वपड़ा कोई नए रहे होंगे बेचारे, सब ले आकर के ही गंगा जी में फेंक दिया है। यह गंदी प्रवृत्ति हिंदू संस्कृति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, घरवा से कपड़वा क्यों लाए, उनको ले आकर के ठीक है यहाँ जला दिए, जलाया जाता है। इधर भी आप देखेंगे शमशान घाट पर, शमशान भूमि पर हूँ जहाँ भगवान शिव का पास होता है, शमशान पर ही पूजा करते हैं। इधर भी देखिए अस्थियाँ हैं, लोग जला करके चले गए हैं, आएंगे तो आएंगे नहीं तो जान छूट, इसको जलाए जान छूट दिया, और पूरा जलाते भी नहीं क्योंकि कपाल कपाल उपाल ही छोड़ के चले जाते हैं। इधर देखिए आपने हम काले काले पानी के तरफ कर रहे हैं, यह गंगा की कटान हो रही है और नाला, अगर चूक जाएगी तो पैर में घाव हो सकता है। अभी पर कला कला पानी आप देखिए, साइबेरियल पक्षी भी क्या संदेश लेके प्रदेश जाएंगे। अब देखिए अभी तकिया, अब जीते जी तकिया पता नहीं मिली कि नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद तकिया जरूर आएगी। तकिया देखिए और मास्क भी दे दिया गया है कि पता नहीं आप जा रहे हैं महाप्रयाण पर तो वहाँ भी कोरोना हो सकता है, इसलिए मास्क भी लेते जाए। ये सब गंगा भैया लेंगे और सजाई जा रही है।
यह समय सबका आना है, यह सत्य है कि मृत्यु आएगी। कैसे आएगी, कब आएगी? मृत्यु एक ऐसा दोस्त है जो घर पर बिना बुलाए और बिना लिए हुए वापस नहीं जाएगा। आएगा तो फाइनल गेम खेलेगा। आइए अब रजाई है, रजाई यही रजाई उनका ओढ़ना हुआ था ठंड में। अब रजाई तो घर में कोई ओढ़ेगा नहीं क्योंकि माई चली गई। अब रजाई अगर उनका कोई ओढ़ेगा तो माई भूत बन करके चापेंगे, इसलिए रजाई ले चलो और वहीं गंगा जी के हाथ फेंक। बहुत बढ़िया, यह सब देखिए नाश कर दिया, सब नाश किया है, जूता भी आ गया है, उनका डस्टबिन बना दिया है गंगा के क्षेत्र चतरा। इसको लेने वाला भी कोई नहीं है, तकिया किया सब आ गया। कोई नौजवान ही लग रहा है चप्पल जूता से, हो सकता है ये अभी है। भैया मर गए तो गम मिटा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ये अभी देखिए, क्या देखिए, मेला का भी आप अवलोकन कर सकते हैं। इधर नाग बासुकी जी का मंदिर है जी। आर एस शेखर साहब आइए थोड़ा बढ़िए जी 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 आइए। आप कहेंगे ना कि झूठ दिखा रहे हैं। सच्चाई दिखाऊंगा, सच्चाई दिखाऊंगा, परिस्थितियां चाहे जो भी, हम गुलाम नहीं है। हम गुलाम मुख्यमंत्री के गुलाम है, प्रधानमंत्री के गुलाम है। जो कल मुख्यमंत्री होगा उसके भी गुलाम नहीं है, जो पहले प्रधानमंत्री था उसके भी गुलाम नहीं है, जो पहले मुख्यमंत्री था उसके भी गुलाम नहीं है। हम अपने मौज के मालिक हैं साहब, बिल्कुल। और प्रकृति ने कहा है कि बेटा सच बात दिखाओ, आइए देख लीजिए, देखिए सच्चाई। कौन आचमन करेगा? कर लेंगे बाबा लोग, बाबा लोग किए थे। नजदीक से दिखा देता हूँ बाबा, यह काला काला आप और आगे अगर आप पीपा के पुल के उस पार बढ़ेंगे तो और भी खतरनाक आलम है। आइए करके दिखा दीजिए, गंगा है इधर, सोच सोच करते हैं इसी पानी को, यही है भैया संगम इतवा के पार, उनके उस पार यही संगम। और इसी संगम में हम स्नान करते हैं, इसी के पानी का पान करते हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम। बहनों भाइयों, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हमने इस एसटीपी प्लांट लगवाया है, हमने गंगा को शुद्ध कराया है। पॉलीथीन की फैक्ट्रियां हमारे पाहुन की हैं, पाहुन बंद नहीं करेगा। पूर्व की सरकारों का भी पाहुन था, वह जिसकी फैक्ट्रियां हैं वह बंद नहीं होगी। चाइना वाला पॉलीथीन वहाँ आज भी आ रहा है, अंडरग्राउंड नाले भी आ रहे हैं, उसका अवलोकन आप कर रहे हैं। तो पाहुन की फैक्ट्री कौन बंद कराएगा? इधर पॉलीथीन आप देख लीजिए। और यह गंगा भी माँ गंगा में विलक्षण शक्ति है आईआईटी के छात्रों के द्वारा। क्या बता रहा है बाबू, क्या नाम है आपका? ऋषि, क्या बता रहे थे? एक बड़ा पाइप लगा है, वो नाम है बाल। हाँ। बड़ा तो है। हाँ। क्या बह के आता है? नलवा आता है ना, वहाँ तो काला काला पानी ज्यादा रहता है ना, पानी और काला काला रहता है, मतलब ज्यादा गंदा, इससे ज्यादा गंदा रहता है। चलिए यही जो गंदा देख रहे हैं उसी को देख लीजिए। तो दोस्तों यह रहा, अब कैसे कहें, और हमको जी भर के गरी आइएगा, जितना गरिया रहा। देखिए चाप रहे हैं साहब, गोबर भी दिखाइए वो कैसे चप रहे हैं। देखिए वही लोग भी कम बदमाश नहीं हो, लोगों को भी कैसे कहा जाए। तो यह रहा दोस्तों, आज हम हैं आर्य शेखर भाई साहब के साथ, निकले थे हम लोग कुछ अच्छा अच्छा खोजने, अच्छा दिखाने। अब हो सकता है हमारी बीमारी हो अच्छा ना दिखता हो, और आपकी भी बीमारी हो अच्छा देखने की। तो चलिए हम भी थोड़ा बदलते हैं, आप भी बदलते हैं, लेकिन धर्म का पालन करना है। एक बार फिर देख लीजिए जहर और अमृत का मिलन है। जिस समाज ने जहर और अमृत को अलग किया, आज वो सीधा प्रमाण दिख रहा है हम किस विकास की बात करते हैं।
हम कितने साल पहले जहर और अमृत को अलग करने की विधि की बात करते थे, हमारे परंपरा में जहर अमृत को अलग किया गया और आज एक तरफ आपको जहर दिख रहा है, एक तरफ अमृत जीवनदानी माँ दिख रही है और वो माँ दिख रही है जिसपे IIT के बच्चों ने सोच करके बताया कि 18 ऐसे रोगों को नाश करने का इनके अंदर शक्ति है जो आज समाज की बहुत बड़ी समस्या बन के दिखाई देते हैं। खासकर माँ गंगा के बेल्ट में मैं आपको ये बता दूं कि इस समय नई नई बीमारियों ने जन्म ले लिया है, खासकर आप कानपुर से लेकर उन्नाव से लेकर प्रयाग के बीच में बहुत सारे प्रभावित जो है उसका कहना क्या है, लोग विकलांग हो रहे हैं तरह तरह। तो हम किस तरह का विकास कर रहे हैं भैया, जब हम जहर और अमृत को फिर से एक कर रहे हैं तो हम तो वहीं पहुँच गए आधी समय में। चलिए, हम सबके अपने गुड सेंस की सबसे दोषी हम पहले दोषी अपने मानते हैं भैया, उसके बाद बाबा लोगों से लेकर के और जो भी है, छोटा बाबा, बड़का बाबा, दाढ़ी वाले बाबा, बिना दाढ़ी वाले बाबा और लोगों को बाद में हम कहते हैं, पहले हम लोग अपने को दोष की कड़ी दिलाते हैं। हे बाबाओं, क्षमा करना, हमारी बीमारी है यदि और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं, ऐसा इलाज है नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं है। इसका अगर निदान ढूंढना है तो आत्मा को जागृत करना पड़ेगा और आत्मा से कुछ करने की जरूरत है, दिखावे की चीजें नहीं है कि पानी छोड़, सिर्फ स्नान नहीं है कुंभ, सिर्फ पानी छोड़ देने से और स्नान करा दे, ये बताइए कितना रोग लेके लोग जाएंगे, कितनी बीमारियां लेके जाएंगे। सच्चाई तो यही है ना, ये जो स्नान हम करा रहे हैं कि भैया कितनी बीमारी लेके जाएंगे लोग, ये गंदा नहीं है तो जहरीला पानी है भाई, गंदा होना अलग चीज होता है, ये तो जहर है, पूरी तरह से जहर है और कहा जा रहा है टीट पानी है, टीट करके स्टीपी से आ रहा है। तो बस आपका इस पे दृष्टि पड़ी और आपने इसे उस रूप में लिया, ये बड़ी बात है, सच बताऊं। चलिए भैया, गंगा मैया की जय, भगवान सद्बुद्धि दें और गंगा मैया जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी ठीक करें और हमें भी ठीक करें, अपने भी ठीक हो जाए, वृद्धावस्था में है, दम तोड़ रही है। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना। इसमें एक चीज और कहूंगा, चल रहा है वो तो आप